राशि मिली 12 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री जी ने पूरी की पूरी राशि नमामि गंगे परियोजना को दान किया और नमामि गंगे परियोजना के लिए पूरी की पूरी राशि दान कर दी। हम सब गौरवान्वित होते हैं जब हमारे यशस्वी नेता को दुनिया का एक बड़ा पुरस्कार, शांति पुरस्कार सियोल पीस प्राइज प्राप्त होता है और उस पीस प्राइज में 1,40,00,000 रुपए की जो धनराशि प्रधानमंत्री जी को प्राप्त होती है वह राशि भी प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे मिशन को मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए दान दिया। इससे पहले इस प्रकार का कोई भी कार्य आपने नहीं देखा होगा। आज एक बार पुनः जब यहां पर अनेक परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कानपुर नगर और कानपुर देहात के आप सभी नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने, लोक मंगल की प्रेरणा से इन विकास की योजनाओं को एक नई गति देने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर आए हैं। हम सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर जहां आम जीवन में खुशहाली आई है, उनका जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है, वहीं साथ ही साथ आम जन प्रफुल्लित होता है, आम नागरिक खुश होता है जब मोदी जी को देखता है, उनके यशस्वी नेतृत्व को देखता है। लेकिन साथ ही साथ भारत के दुश्मनों के मन में उतनी ही कंपी भी होती है जब मोदी जी का नाम सामने आता है। और अभी पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के कैंपों को एयर स्ट्राइक के माध्यम से जैसे नष्ट करने का प्रयास किया, न भूत और भविष्यति का यह प्रमाण दुनिया के अंदर भारत की सामरिक ताकत के माध्यम से भारत को एक बार पुनः दुनिया की ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का जोरदार अभियान है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज कानपुर में अपना मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच में हैं। मैं आप सभी के ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं, एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मैंने जो तमाम योजनाएं आपके सामने कही, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर आयुष्मान भारत, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मामला हो, या फिर अभी आपने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से करोड़ों असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की योजना हो, या फिर उन तमाम योजनाओं के माध्यम से जो हम सबके जीवन में परिवर्तन ला रहा है और जिनके एक्सप्रेस वे, रेलवे, एयरवे का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं शहरों के भीतर मेट्रो की सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। कानपुर मेट्रो समेत
यूपी में अनेक मेट्रो प्रोजेक्ट्स का केंद्र सरकार मंजूरी दे चुकी है। जब कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब यहां की ट्रैफिक व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। आज ही तकनीक के माध्यम से लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बन जाने से अब लखनऊ में करीब 23 किलोमीटर रूट पर मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह आगरा में भी मेट्रो ट्रैक बनाने के लिए आज शिलान्यास किया गया है। आगरा में मेट्रो ट्रेन बनने से वहां के लोगों का जीवन सुगम होगा और सबसे बड़ी बात है टूरिज्म के लिए एक और अधिक नई सुविधा प्राप्त होगी। साथियों, हमारी सरकार कानपुर शहर में हर सुविधा देने का भरपूर प्रयास कर रही है। आज यहां कानपुर के अनेक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर भी दिया गया है। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में लगभग 1.5 करोड़ घर बन चुके हैं। 1.5 करोड़! पहले की सरकार इतने समय में सिर्फ 25 लाख घर बना पाई थी और ये सरकार 1.5 करोड़ बना चुकी है। यूपी में भी योगी जी की सरकार बनने के बाद घर बनाने के काम ने तेजी पकड़ी है, वरना उससे पहले तो यूपी की सरकार को हम चिट्ठियां लिख रहे थे, भारत सरकार बार बार लिखती थी, लेकिन उस समय सरकार चलाने वाले लोग उन्हें गरीबों की परवाह ही नहीं थी। साथियों, आज के इस अवसर पर जब मैं इन परिवारों को घर दे रहा हूं, मैं कानपुर की धरती से देश के सभी गरीबों को, देश में जिनके भी पास घर नहीं है, उनको फिर से एक बार मेरा वादा दोहराना चाहता हूं। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे गरीब भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि काम तेजी से किया, उनके 25 लाख के सामने हमने 1.5 करोड़ घर बनाए, अभी भी घर बन रहे हैं, आगे भी बनने वाले हैं। जिनको आज नहीं मिला है उनको कल मिलेगा, जिनको कल नहीं मिलेगा उनको 15 दिन के बाद, महीने के बाद, लेकिन 2022 के पहले सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है, ये घर सबको मिलने वाला है। बातें करने वाली सरकारें बहुत आकर के गई, धरती पर काम करके दिखाने वाली ये सरकार आपके सामने मौजूद है। साथियों, आज जब मैं कानपुर की धरती पर आया हूं तो उन वीरों को याद करना भी जरूरी है जिनके बलिदान के कारण देश सुरक्षित है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हमारे श्याम बाबू और बड़गाम में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हमारे भाई दीपक पांडे को मैं फिर एक बार
आज कानपुर की धरती से नमन करता हूं। मैं कहूंगा शहीदों, आप पूरी ताकत से बोलिए अमर रहे अमर रहे। शहीदों शहीदों शहीदों। साथियों, पुलवामा हमले के बाद याद है ना, पुलवामा हमले के बाद हमारे वीर सेनानियों ने जो पराक्रम दिखाया, आपका सीना चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया, आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ, भारत में भी दम है ये लगता है कि नहीं लगता है, हमारी सेना जो तय करे वो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, आप लोग खुश हैं, आपका हौसला बुलंद है, आपके अंदर वही जज्बा है। लेकिन भाइयों बहनों, आप में ये जोश है, जुस्सा है, विश्वास है, लेकिन बहुत दुखद है कि हमारे घर में ही सेना के पराक्रम को नीचे